राजस्थान के नागौर में मंगलवार सुबह तूफान जीप की ट्रेलर वाहन की भिड़ंत में उज्जैन जिले के घटिया थाना क्षेत्र के सजनखेड़ा दौलतपुर के 10 लोगों की मौत हो गई थी। सजनखेड़ा में एक साथ 6 अर्थियां उठी। वहीं दौलतपुर गांव में पति पत्नी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा के दौरान आसपास के कई गाँव के लोग शामिल हुए। शवों को जैसे ही एम्बुलेंस से उतारा गया तो उन्हें देखकर मृतकों के स्वजन रोते रोते बेहोश हो गए। शव आते ही पूरे गांव में चीख पुकारों की आवाज़ सुनाई देने लगी। बाद में आमजन ने नम आंखों से विदाई दी। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने संबल योजना के 4 लाख व मुख्यमंत्री की घोषणा वाले 2 लाख के चेक परिजनों को हाथों हाथ दिए और शासन से हर संभव मदद का आश्वासन दिया और घायलों से मिलने के लिए परिजनों के लिए वाहन और खर्च उठाने की बात कही। शव यात्रा में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक रामलाल मालवी, जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया, एसडीएम गोविंद दुबे, एसडीओपी आरके रॉय, सीईओ रविकांत उइके, तहसीलदार शिवराम कनासे, थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, नायब तहसीलदार लोकेश चौहान, जिला ग्रामीण अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, सरपंच महेंद्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी व ग्रामीण जन मौजूद रहे। वास्तव में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है और हमारे मेरे खुद के लोकसभा क्षेत्र से करीब 10 लोग का देहांत हुआ। 12 2 आगर के हैं, वैसे कुल 12 लोगों का देहांत हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त करा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी संवेदना व्यक्त करी और मैं उन दोनों का प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ आया हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी जो चर्चा हुई, उन्होंने जो 4 लोग हैं उनको 4-4 लाख रुपए अभी स्वीकृत कर दिए। मैंने उनको आदेश भी दे दिया है और 2 जो बाकी हैं उनको मुख्यमंत्री सहायता 2-2 लाख रुपए स्वीकृत की है, उसका भी मैंने आदेश दे दिया है, उनके खाते में डल जाएगी। और अंतुष्टि के 5-5 हज़ार रुपये भी हमने परिवार को दिए हैं। अभी वहाँ पर मालूम पड़ा कि 3-4 बच्चे और एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है, तो परिवार के लोगों की इच्छा कि वो जाके करने की, तो उनके लिए भी गाड़ी का हमने निर्देशित करा है। कलेक्टर को गाड़ी लेके उनको जा रही है और अधिकारी भी जा रहे हैं। जो स्वस्थ हो रहे हैं उनको हम डिस्चार्ज करा के ले आएंगे और अगर कोई गंभीर है तो उसका इलाज भी पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार पूरा उसको वहन करेगी। ऐसे दुख की घटना में यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, हमें हम सब उनके परिवार के साथ संवेदना में हम खड़े हैं और जो भी मदद होगी, जिस भी प्रकार की, तन मन धन, हम उनके साथ हैं। सर, उन्हें अभी चर्चा में उन्होंने बोला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी मांग में रखूँगा कि जो भी मुख्यमंत्री जी निर्देशित करते हैं, फैसला लेते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है।